हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। आपका स्वागत है फिर से नई वीडियो में। देखिए, आए दिन आप सुनना ही होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के माध्यम से आप सुन रहे होंगे कि 25,000 सीटों को लेकर के एक महा आंदोलन शुरू होने जा रहा है प्रयागराज में, जो कि बहुत जरूरी भी है। पर आए थे 4,163, भरे गए जो फॉर्म है उनकी संख्या थी लगभग लगभग 13 लाख। इतने कम पद और उम्मीदवार 13 लाख, तो ऐसे में युवा का जो सिलेक्शन है वो तो नामुमकिन है। जो बच्चा तैयारी कर रहा है लगभग एक सीट पर समथिंग समथिंग मान जाए तो 700 लोग फाइट कर रहे हैं और 700 में से एक व्यक्ति का चयन होना है, तो ऐसे में ये मान चलो कि कहीं ना कहीं युवा टूट रहा है। वो कितनी भी तैयारी कर ली, कहीं ना कहीं वो उसका जो मोरल है वो डाउन होता जा रहा है। कारण है पद की कम संख्या। तो इसी को लेकर के 12 सितंबर को युवा मंच अध्यक्ष और आपके प्रतियोगी मंडल विक्की खान जी एकजुट होकर 12 सितंबर को एक आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। और आंदोलन का जो कई मुद्दे हैं, ऐसे तो आंदोलन का सबसे पहला मुद्दा यही होगा कि सबसे पहले 25,000 सीटों को पुराने भर्ती में जोड़ा जाए और जल्द से जल्द जो परीक्षाएं वो कराई जाए। अब आप के दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि यार वैकेंसी तो आ गई है, तो अब पद कैसे जोड़े जा सकते हैं। यदि आपने नोटिफिकेशन पढ़ा होगा तो उसमें साफ साफ लिखा मेंशन किया हो गया होता है कि आने वाले भविष्य में हम पदों को घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। तो ये प्रावधान होता है कि हम नोटिफिकेशन में बदलाव कर सकते हैं। तो यदि 25,000 सीटें जुड़ जाती हैं पुरानी भर्ती यानी कि 2022 वाले विज्ञापन में, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी युवाओं के लिए। हालांकि जो नए युवक हैं जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा था उस समय पर, उनको थोड़ा दुख होगा कि यार 25,000 सीटें पर नया विज्ञापन कार्ड देते तो कितना बेहतर होता। अब इन 25,000 सीटों को पुरानी भर्ती में क्यों जोड़ा जाए, हमारा क्या होगा। तो दोस्तों, मैं उन युवकों के लिए यही कहना चाहूंगा जो वैकेंसी का वेट कर रहे हैं। दोस्तों, श्रीमती कीर्ति पांडे जी ने माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग से संपर्क किया और उनसे यह जानने की कोशिश की कि कितने पद खाली हैं टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी के। तो वहां से तो अध्यासन मिलेगा ही मिलेगा। दूसरी बात, बहुत जल्दी जो वेबसाइट का पोर्टल है वो लॉन्च होने वाला है और उसके लॉन्च होते ही जितने भी विद्यालय हैं, जितने भी कॉलेज हैं, सबसे सभी विद्यालयों का ब्यौरा मांगा जाएगा और आपको बहुत जल्द ही एक नई वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो आप बिल्कुल भी हताश ना हो जिन्होंने 2022 में टीजीटी पीजीटी का फॉर्म ना भरा हो और वैकेंसी का वेट कर रहे हो, आपके लिए भी मौका मिलेगा, 100% मौका मिलेगा। आप विश्वास मांगे चलो, आपके लिए एक नई वैकेंसी आएगी। क्योंकि आप भी जानते हैं कि 2022 के बाद कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया और 2027 में चुनाव है। जब उनसे यह आंकड़ा लिया जाएगा कि तुमने इन 4-5 साल के अंदर कितनी वैकेंसी कंप्लीट की, तो उनके पास डेटा तो होना चाहिए। लगभग लगभग दो वैकेंसी कंप्लीट कर देंगे, एक ये वाली वैकेंसी कंप्लीट कर देंगे 2022 वाली और एक जो नई वैकेंसी आएगी 2025 में उसको भी खत्म करेंगे। तो विश्वास मांग चलो कि आपको नई वैकेंसी जरूर मिलेगी। ठीक है, आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।